सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ लाते रहें। जय हिंद जय भारत। पहला सवाल, तुषार भंबाणे, मिस्टर फतेह, इट वुड बी एन ऑनर इफ यू कुड रीड माय नेम। इनका नाम पढ़ें आप। तुषार भंबाणे, तुषार भंबाणे, तुषार, तुषार भंबाणे, चलिए तुषार भंबाणे। आई थिंक आवर पॉलिटिशियंस आर 10 इयर्स बिहाइंड इंप्लीमेंटिंग योर मेन सजेशंस फॉर इंडिया। थैंक यू फॉर शोइंग अस द मिरर। इसमें आस-पास कुछ नहीं, हम आप हैं, आप हम हैं सर। इसमें मैं अपने आप को नॉन इंडियन तो नहीं समझता ना, इसीलिए बात करें। सो कंसीडर मी एज पार्ट ऑफ यू, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनीवन एल्स। नेक्स्ट, चैतन्य तारिक सर, इज द इस्लामिक अटैक्स इन यूरोप बाय इलीगल इमिग्रेंट्स स्टार्ट ऑफ गज़वाए हिंद? यूरोपियन मुस्लिम्स आल्सो ब्रेनवॉश्ड इनटू दिस? देखिए, जो क्लैशेस हैं इलीगल इमिग्रेंट्स में, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट दैट इज बिटवीन मुस्लिम्स हु हैव अराइव्ड इन वेस्टर्न यूरोप फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन, चेचेंस हैं या दागिस्तानी हैं, ये इनकी क्लैशेस हैं विद दोज मुस्लिम्स हु केम फ्रॉम नॉर्दर्न अफ्रीका या अफगानिस्तान पाकिस्तान टाइप का। तो जो यूरोपियन मुसलमान है, टर्की में भी आप देखिए, उसका मिजाज ही इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। तो वो टर्की का वो हिस्सा जहाँ बल्गेरियन हंगेरियन मुसलमान विड्रॉ करके आए, दैट्स अ वेरी डिफरेंट देन वो जो तुर्कमेनिस्तान से आके बिजेंटाइन में बैठ गए। तो यूरोप में जो आपस में इलीगल इमिग्रेंट्स का झगड़ा है, ये फ्रांस में काफ़ी है, वो इज इट्स बिटवीन द चेचेंस एंड द नॉर्थ अफ्रीकन्स। और आप ये भी समझिए कि नॉर्थ अफ्रीका से जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं मुस्लिम बैकग्राउंड की, वो ही थी जिन्होंने फ्रांस में निकाब और हिजाब पे बैन लगवाया। प्रेसिडेंट सलाजार पहले जो इनसे थे ना, सरकोजी, उनकी कैबिनेट में देयर वर फोर मुस्लिम वुमेन, एंड इट इज दोज मुस्लिम्स हु अंडरस्टूड। हमारे यहाँ क्यूबेक में भी जो नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम्स हैं क्यूबेक सिटी में, उन्होंने लॉ पास किया है कि गवर्नमेंट की किसी जॉब के अंदर आप ओवर्टली अपना धर्म डिस्प्ले नहीं कर सकते, चाहे जूश टोपी है या सिख पगड़ी है या हिजाब है, आप पहन सकते हैं, लेकिन पुलिस में, टीचर में, इस टाइप के नहीं कर सकते। सो देयर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स विद डिफरेंट व्यूज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो हो रहा है, ये मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, बहुत टेंशन है। और वेस्ट में या इवन इंडिया में होता ये है कि जो नॉन मुस्लिम लीडरशिप है वो कहती है इनमें जो सबसे बदसूरत होगा मुसलमान, हम उसकी सुनेंगे, क्योंकि वो अच्छी शक्ल वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो हम मजाक में कहते हैं कि एम आई नॉट अगली इनफ टू बी कंसिडर्ड अ मुस्लिम, क्योंकि वो बगैर मूछ दाढ़ी वाला आदमी, वो मिनिस्टर के साथ उसको फौरन अपॉइंटमेंट मिलती। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस कर दी ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया पे, और को 50 लोगों ने लिखा कि भाई ये जो आप जिससे मिल रही तो हमें मारने के लिए आए हैं, बट देयर वॉज नो रूम फॉर अस to talk to any Canadian politician। आप ये सोचिए, और ये कनाडा है तो यही आपका यूके में हो रहा। फ्रांस जरा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ जो लिपेन की नेशनलिज्म है दैट हैज एन इफेक्ट, और जो लेफ्ट विंग आपकी नॉर्थ अफ्रीकन औरतें हैं उनमें कुछ अकल जरा ज़्यादा है पराठे बनाने वालों इमिग्रेंट से। तो ब्रेन वॉश लोग नहीं हुए हुए हैं, ब्रेन वॉश हुए हुए, दे आर इनकल्केटेड इन अ मुस्लिम नेशनलिज्म इन विच दे फील कि हम सबसे सुपीरियर लोग हैं दुनिया में। उम्मत जो है उससे बाकी दुनिया घटिया है, हम हैं
जो दुनिया को राय रास्त पे लाके इसको तबाह करेंगे. द गोल ऑफ आर एग्जिस्टेंस इज द एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ये जब तक आप इस डेंजर को नहीं समझेंगे, आप समझेंगे अच्छा भैया आया, लड़े, मरे, खत्म हो गए. नो, ये कोई पोर्चुगीज कॉलोनियलिज्म नहीं है. दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन, सो ऑल ऑफ अस कैन डाई इन पीस एंड गो टू पैराडाइज. एक आदमी ने इसको समझा, एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज योगी आदित्यनाथ, हु अनाउंस्ड पब्लिकली on the floor of the assembly. Acha, oh really, okay. You know what, what did he say? He said qayamat ka din kabhi nahi aane wala hai. Ha, kaha unhon, in are video clip bhijwa dijiye sir, unhone kaha. So you can imagine that he understands the issue. he understands aisa wahi aadmi keh sakta hai jo samajhta hai. Yes. Said this on the floor of the house. Oh, मैं भेजवा दूंगा आप. Please भेजवाइए. तो हमारे type का आदमी सर. हम भी आके योगी जी के लिए थोड़ी खिदमत कर दें. जी सर. Next, सिद्धार्थ शेखर. फिर तारिक साहब, सत श्री अकाल जी. थोड़ी पंजाबी सुन के बहुत मजा आया. हिंदुआ नु बदनाम, हिंदुआ ने ही किता है. नेहरू ते गांधी ने शुरू किता. Francois Gauthier said own that his own sister had a negative view of India. Nahi, inna aasan nahi ki tusi ik te Nehru te pa dio. Dekho, Punjab di jehdi partition hui oh angrez ne kiti, Bengal di te Punjab di hui, hor kehdi jagah partition nahi hui, na UP hui, na Maharashtra, na thalle jao Tamil Nadu, kitte bhi nu partition hui. ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ. ਤੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਾਪਿਸ ਸ਼ਾਮੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਵੇਖੇ ਜਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਐਸ਼ਿਸ. On what grounds? Nobody ever explained to me. Main to 49 di pedaish hai ke kinne saale kon nikliya itthon, hoya ki. But it happened. It also means that when you develop hatred against someone, it becomes irrational. Response hona chahida sada rational, argumentative. ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੰਗਾ ਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟੰਗ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਬੀ ਪੇਟ ਸੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ. ਅੰਮਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾਰ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ. ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ. ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ. ਸਾਡੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ. ਅਸੀਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ 6:30 ਗੱਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ. ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਸਮ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੰਗ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹਾਂ ਸਰ. ਨੈਕਸਟ, ਵਿਰਲ ਪਟੇਲ ਸਰ. ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਮੈਡਲ ਲਗਾਤੇ ਘੁੰਮਤੇ, ਵਹਾਂ ਬੇਚਾਰੇ ਐਥਲੀਟ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਪੇ ਆਪਕੋ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ. ਯੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ, ਜਾਲੀ ਮੈਡਲੋਂ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ. ਕੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਪ੍ਰਣਾਮ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਟੂਡੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਔਰ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ. ਨਾ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ 'ਤੇ. What have we done by economic superiority? We still think that some people should be poor and some should be rich.
and the way we treat each other, the rest of the world sees. You know, we have to get rid of this, ke poverty is part of our culture. Nahi ji, I don't find this anywhere in what limited things I've read about Hindu philosophy and all the great fighters, ya Bhagat Singh nu lo ya Savarkar nu lo, jisko bhi lo, it doesn't speak of that. We have to stop celebrating poverty. Okay, we move on to the next question. Indol Roy, nice to see. TF again. Isko TSF kar lijiye. Fighter aircraft lagega fir wo. Your views on Imam Tahidi. Yes, I didn't find your theory of not finding Jew graves and burials in your second book convincing and sounded like a whitewash. Achha. Second, pehle main kar dun, there are no Jewish graves in Medina. So where were the 700 who were buried? This is embraced in Islam so that we can justify the killing of Jews. आप समझे नहीं मेरी बात. आप सुन्नत, हाँ, उसको सुन्नत बनाने के लिए आपको कहना पड़ता है कि मोहम्मद ने 700 यहूदियों के गले काटे. आप जूश किताबों में देखें, एविडेंस ही नहीं है इस बात का. आप मैस ग्रेव्स में देखें, कोई मैस ग्रेव नहीं है. तो भाई व्हाइट वॉश ही करूंगा मैं, और क्या करूंगा. मतलब मैं तो एविडेंस 10 साल का एविडेंस आपके सामने रख रहा हूं. मैं जाके खंदकों में मैं तो रहा हूं. कोई मुझे बता दे कि जूश मैस ग्रेव निकली हो कहीं सऊदी अरेबिया में, ये दूसरी बात है. फिर इमाम तौहीदी का मुझे पता नहीं है कि वो आते हैं इंडिया में भी, उनका बड़ा दबदबा होता है, आगे पीछे 5-6 गार्ड्स लेके वो घूमते हैं. देन ही डिसअपियर्स. कभी वो नाइजीरिया के अंदर मिलते हैं. आई डोंट नो. I just met him a few times. He's come to my house. But उनमें consistency नहीं है जिस बात में वो कर रहे हैं. ये long term जंग है. ये ऐसी नहीं है कि आपको कोई फायदा हो जाए कहीं इधर. And anyone who goes around with guards becomes a spotlight. क्योंकि वो गार्ड्स वार्ड तो कभी नहीं मरता है असैसिनेशन अटेम्प्ट में. JFK ही मरता है. गार्ड तो अपनी करता है ना. तो ये जो एयरपोर्ट पे 4 लोग लेके पता नहीं कहाँ से हायर होते हैं, एंड दे ऑल वेयर सेम यूनिफॉर्म्स एंड ही इज इन द मिडिल एंड दे वॉक अराउंड हिम. आई एम सर, अगला ले लेते हैं. हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है. डेस्क इज प्रॉम्प्टिंग मी कि साहब जल्दी जल्दी करिए. Siddharth Shekhar, Muslims and Marxists both don't believe in the concept of allegiance to a nation state. नहीं, ऐसा तो नहीं है. Muslims nation state में believe करते हैं, other than Indian Pakistani Muslims. Turkish खिलाफत में कोई अरब नहीं था 600 साल तक. जो आपकी Damascus की खिलाफत थी उसमें non अरब कोई नहीं था. इंडोनेशिया के अंदर कोई नॉन इंडोनेशियन नहीं है. अर्तुगाल तो नहीं रखने लगा किसी बिहारी को प्राइम मिनिस्टर अपना. तो हमारे यहाँ के स्पेशल है. हाँ, और उनका दूसरा सवाल था कुछ, मैं भूल गया हूँ, सॉरी. इसमें ये हम कह सकते हैं, हम जो बार बार आप ही कहते हैं कि पाकिस्तान इज एक्चुअली एन आइडिया, इट इज नॉट अ टेरिटरी. It's a fake identity. It will creep. It's very brittle. Na kabhi tha, na kabhi hai, aur na kabhi rahega. Pakistan to Bangladesh ban gaya. Ye kahan se aa gaye? Ye Ghaffar Khan ka, Baja Khan ka state aur Pakistani Punjabi. Ye kahan ki jo apni maa aur maa zuban pe trust nahi karte, wo kis pe baat karenge? Balochistan was an independent country. August 11, 1947 में पहला मुल्क आजाद हुआ बलोचिस्तान. एम्बेसी थी उसकी पाकिस्तान में, उस पर कब्जा किया पाकिस्तान ने. तो एनीवे, ये लंबे किस्से. आदर्शी को थैंक यू, धन्यवाद.
सरताज चौधरी, तारक जी, आपके पेरेंट्स ने आपको ब्रेन वॉश नहीं किया कि आप अरब हो, बच गए आप? नहीं, मेरे पेरेंट्स जब थे खुद नहीं अरब थे तो कैसे कहेंगे कि अरब है। माय फादर वाज, हमारी फैमिली ट्री के अंदर सिंह नाम है तो झूठ बोलेंगे, चेंज कर देंगे। 1840s तक हमारे फैमिली ट्री में सब सिंह हैं, फिर शेख आ गए, उसको जो कन्वर्ट करते हैं ना हिंदुओं से मुसलमानों को, उनको पंजाब में ऑनरिफिक टाइटल दिया जाता है शेख, जो पाकिस्तान में शेख बरादरी कहते हैं। दैट ऑटोमेटिकली मीन्स के यू आर फ्रॉम द कसूर एरिया एंड दैट यू हैव कन्वर्टेड। तो ऐसा कोई पंजाब में वो नहीं था कि सारे कन्वर्ट हैं तो कौन किससे बचता रहेगा। सो दे वर कन्वर्ट्स एंड माई मदर साइड इज फ्रॉम कसूर, माई फादर साइड इज फ्रॉम गुजरात, and our family tree is still there in Gujarat, and there is no embarrassment or anything. All of us very proudly say that we were Hindus who converted to Islam in the 1800s. Brainwash kya karne ki baat hai, sach maa baap bolte hain, hum bhi bolte hain. Next, hinduon ke sanatan dharm ko samjhane ke baad bhi kaun sa hinduon par duniya pyar barsayegi? This hatred stems from disdain for paganism. Unless the world is re-paganized, there will be no relief. You can't, देखो भैया, you can't go back in history के पतंग थोड़ी है के कटने के बाद जाली खींच ले पीछे। आपके साथ 1000 साल का जुल्म हुआ है, उसकी redevelopment में time लगेगा, जल्दी किस बात की है? अपने taxes पूरा दिया करें, गरीबों की बेइज्जती मत करें, खुद ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जी। नेक्स्ट, बड़ा आसान है ये। चैतन्य, तारक सर, इज द वेस्ट टेरिफाइड ऑफ पाकिस्तान सेलिंग न्यूक्लियर वेपन्स टू टेररिस्ट एंड दैट इज व्हाई नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक इट इज। And there is a racist angle to it. आप देखिए कि वो इसराइल भी, ईरान, क्योंकि वहां गोरे लोग रहते हैं ना, ईरानी पर्शियंस, उनके न्यूक्लियर वेपन पे चिल्लाहट मची हुई दुनिया में। उनके जहन में ये है कि ये जो देसी लोग हैं हिमालय के इस तरफ, बलूचिस्तान और इंडिया पाकिस्तान, ये क्या, ये तो पानीपुरी बनाएंगे ना, ये एटम बम कौन बनाता है इनके अंदर, ये ज्यादा से ज्यादा क्लर्क लग जाएंगे, कॉल सेंटर होगा। इट्स अ वेरी रेसिस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड दैट इवन द इजरायलीज हैव अबाउट आवर पार्ट। इंडिया इज गोवा, या वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन के आसपास आके IDF के सोल्जर्स रेस्ट करते हैं। दे डू नॉट इवन व्यू, गिव अस द डिग्निटी ऑफ हैविंग द फियर ऑफ अस। हमारे यहाँ तो ड्रैगन्स चल रही हैं, यू नो, एग्जॉटिक हैं हम। सिविलाइज वर्ल्ड ईरान के बॉर्डर पर रुक जाती, रंग उसके बाद काला होना शुरू हो जाता है। ये कचरा इजिप्ट के नीचे कचरा है और हिमालय की ईस्ट में कचरा है। चीनी हैं, लोग जादू कर रहे हैं, ड्रैगन उड़ रही हैं, इस टाइप का। तो बट पार्ट ऑफ देम नो कि ये पब्बे पब्बे का बॉम्ब, दैट गाय मीन्स इट, ही मीन्स टू develop stuff that is causing massive radiation in small amounts within places that are guaranteed not to have Muslim population. वो जो हमारा minister जो था रशीद, उसने यही कहा था ना कि we will contaminate your society with nuclear material where you are Hindus, but where there are Muslims, we will not. Next. विरल पटेल सर, या मार्क्स हो या कम्युनिस्ट, इनका असली प्रभाव सिर्फ हिंदुओं पर क्यों होता है, मुल्लों पर क्यों नहीं? मतलब अगर होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा जावेद अख्तर टाइप नकली होते हैं। मैं सवाल समझा नहीं, किन का, किस से, इसमें प्रोनाउंस काफ़ी आ गए। मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं या किस, क्या है ये सवाल? कह रहे हैं कि साहब के ये जो हेट्रेड वाला जो सारा का सारा जो है जी, जो ये नैरेटिव बनाते हैं उल्टा पुल्टा, वो नैरेटिव हिंदुओं पे ही क्यों, हिंदू ही क्यों उसको मानते हैं? मुसलमान तो कोई नहीं मिसलीड होता।
हिंदू क्यों मिसलीड होते हैं? मुसलमान को मिसलीड होने की क्या जरूरत है? वो तो 9/11 अटैक करने के बाद भी अमेरिका ने सारी बिन लादेन फैमिली को जाने दिया। मुसलमानों को पता है कि इनको अपनी सॉकर गेम से ज्यादा इंटरेस्ट है प्रोफेशनल स्पोर्ट में और ग्लैडिएटर्स के अंदर। इनका देर इज अ डिसकनेक्शन बिटवीन हु रूल्स अमेरिका एंड हु वर्क्स फॉर दोज हु रूल अमेरिका। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स प्रेसिडेंट आइजनहावर ने समझा दिया था 50s में, वही चल रहा है। एंड सो यू नो, एंड बाय द वे मुस्लिम्स आर 52 कंट्रीज विद यू नो 2 billion पीपल अराउंड देम एट ऑल द चोक पॉइंट्स फ्रॉम द गल्फ ऑफ एडन टू स्विस कैनाल टू द मेडिटेरेनियन सी टू जिब्राल्टर टू, आप जिधर जाइए मलेशिया के नीचे सिंगापुर, हर चोक पॉइंट पे हमारा आदमी बैठा हुआ। आप तो हिंदुस्तान में बैठे हैं ना, कौन डरेगा? नेक्स्ट, एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सफर्ड फ्रॉम लेवल कंफ्यूजन, ही वाज मिस्टेकनली यूजिंग स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट meant for the level of mind, actually you should be saying meant for the level of consciousness, to deal with the problems of the world. He sounded deluded because he was deluded. I wouldn't say he was deluded. He, the rest of your proposition is correct, that he wanted a spiritualism through which he could awaken the people that he thought he was leading towards a certain freedom. But in practical politics, he made a serious error in accepting partition. That was anyone who was Indian and accepted partition should hang his head in shame. And Gandhi, to a certain degree, abandoned the whole idea. Unko Noakhali ke riot mein zyada dard tha, ya pura Hindustan mar raha tha, usko chhodke wo Noakhali chale gaye the, ya Calcutta mein the, pata nahi kahan. हुसैन शहीद सोहरावर्दी के साथ कलकत्ते चले गए थे कि वहां पर रिप्राइजल ना हो मुसलमानों का। हाँ, मतलब वो मुसलमानों की प्रोटेक्शन में लगे हुए थे। अरे वो पाकिस्तान बन गया, अब उनको करने दो, उन्होंने कहा नहीं मैं भी जाऊंगा वहां। तो आई थिंक ही वाज डिल्यूडेड इन हिज ट्रस्ट इन द ह्यूमन कंडीशन, के जैसे मैं हूं वैसे बाकी सब हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी गजवा हिंद कुछ पढ़ा हो, या मुझे नहीं लगता कभी। वैसे तो मोहम्मद अली जौहर ने उनको पढ़ा दिया था। मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि भाई तो गिरे से गिरा, गंदे से गंदा, गलीज से गलीज, और बिल्कुल जिसको बोलते क्या होता है सर, वैसे तो आपके अबुल कलाम आजाद भी, वो मुसलमान भी जो है वो मिस्टर गांधी से मेरे लिए बेटर है क्योंकि मेरा मजहब ऐसा कहता है। उसके बाद भी नहीं समझा। आई टेल यू व्हाट हिज प्रॉब्लम वाज, हिज प्रॉब्लम वाज दैट ही रेड एंड अंडरस्टूड द भगवत गीता कंप्लीटली रॉन्ग, और वो जो है वो दैट स्टेड विद हिम। हमने एक प्रोग्राम किया था, डॉक्टर शंकर शरण इज देयर, बहुत जहीन व्यक्ति हैं। ही मेड अ कंपैरिजन कि 1909 में देर वर थ्री डेवलपमेंट्स, थ्री मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ नैरेटिव। वन वाज श्री अरविंदो हु लेड आउट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट ही कॉल्ड राष्ट्र। दैट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज राष्ट्र। यस, द अदर वाज इकबाल हु लेड आउट हिज स्कीम इन शिकवा एंड जवाब शिकवा जी। एंड द थर्ड वॉज हिंद स्वराज बाई गांधी। एंड इफ यू कंपेयर द थ्री देन यू विल फाइंड आउट दैट द अदर टू हैड क्लैरिटी एंड गांधी वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। वेल ही वॉज इन अ वे, आई मीन गांधी शुड हैव बीन देयर ऑन 15th ऑफ ऑगस्ट समवेयर फॉर हिम टू समहाउ फील दैट ही शुड बी एब्सेंट फ्रॉम द सीन। Showed that he was maybe very naive, at best very naive about what was happening around the world. But ab jaane de, ab to aage I am told by the desk that we need to do rapid fire. Okay. Because there is some problem at the back end. Achha, chale, rapid fire. Limit our time. Okay. Okay. Rahul Sharma, Mahan Bhavon ko pranam, dhanyavad.
जय टेम्पल्टन, जय श्री राम सर जी, जय श्री राम आपको भी। चैतन्य तारिक एंड संजय सर, व्हाई डू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी डू नॉट फाइट ईच अदर? क्या बात कर रहे हैं, फाइटिंग ऑल ओवर अफ्रीका एंड अदर प्लेसेस? 9/11 क्या था, कोई रसमलाई थोड़ी बांट रहे थे वहां जाके? Why are they strangely have an alliance against Hindu? That is somewhere in India and some places. Okay, next. Siddharth Shekhar, I can't understand why India doesn't hire a global PR firm or a lobbying firm in the US. They are extremely influential. Can anyone explain? They must. I think they're relying on the diplomats, and usually the diplomats always want to go back home. Because life in India for a diplomat is far easy and beautiful than riding buses in New York or Toronto. Okay, next. French rice, sir, please announce tomorrow Jantar Mantar at 10 a.m. Of course, I have already announced. And again, you can remind people, be at Jantar Mantar at 10 a.m. for starting a campaign against mental colonization. Next. Tushar Bhambane, Sanjay ji, if you allow me to digress from the main topic, what were Mr. Fateh and your reaction when you heard Imran Khan rented out his PM house? You're not surprised. I was not surprised. I don't know about I was surprised because ye itna jahil im the dim hai, kisi bhoot ne hi aake bataya hoga parde ke piche se. Adam khor, bhago. Bataiye. Rent kar raha, kabhi gadhe rent kar raha, कभी बकरियां बेच रहा है। ही इज रियली इन द डिम, ये याद रखिए। ये सलमान रुश्दी ने कहा था इसके बारे में, इज इन द डिम, डिमर स्विच है इसके पास। सिंसियर एनालिसिस बाय एजी। एजी कौन है? गनी साहब को मिल गए हो अफगानिस्तान के। नेक्स्ट। I respectfully disagree on Gandhi. He was weak and he wanted to show him strongest in his way, ahimsa. Possible, hum kehte hain, he had a complex. So maybe it was that. Aadhe India ko to lafz ahimsa ka maane nahi pata the. Arre saab, kisi din iske upar bhi discussion karenge. Acha, it's just normal condition. It's just normal human condition for which many fell. Okay. That's his observation. Okay. Next. Ankush Kaul, partition was good for Hindus and bad for Muslims. Today, India is moving forward in every field. Pakistan towards extremism. Good, we are not one. Sir, Muslim districts in certain parts of India have 0% literacy among their mothers and daughters. Take no pleasure in that you are ahead and they are behind. ये समझ लें आप, गुंडागर्दी उन वो आगे हैं। गांधी जी ने एक एक्सप्लेन कर दिया था कि हर बस में एक गुमराह होता है दादा, वो आमतौर पर मेरे जैसा होता है, और वो लोगों को तड़ियां दे रहा होता है। तो इट इज अ सैडनेस, ऑल पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आर हिंदुस्तानीज और भारतीयज, एंड दे नीड, दे विल कम बैक टूगेदर इंशाल्लाह वन डे सून, एंड वंस दे स्टार्ट have embracing the culture of the Hindus, they will develop into better people. Us waqt tak nahi ho sakta. Chaitanya, Tarek sir, what is your thought on a Chinese general saying Pakistan is China's Israel? What is your view on these thoughts of the Chinese? China's Israel? Well, I haven't heard of this. Israel is an independent country, a Jewish state. How they have been there for 3-4,000 years? Comparison galat ho gayi sir, shayad. I think the Chinese generals are not really respected for their understanding of philosophy, history, or humanity. They can eliminate people very easily whenever they want and create viruses whenever they wish to, but they are not known for their. ये आपका असली नाम आ गया, शैलेश त्रिवेदी जी कह रहे हैं TSFG। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान समय में अच्छा होने से ज्यादा अच्छा होने का ढिंढोरा पीटना है
नरेटिव ड्रिवन वर्ल्ड में हिंदू हेट इज ड्रिवन बाय नरेटिव। संजय सर आपका ओपिनियन, एसएफ जी का ओपिनियन ले ले। मैं हिंदू हेट्रेड नहीं है, कंप्लीट मिस्ट्री है हिंदू एक बाकी दुनिया के लिए। अब तो अकेले मुल्क में ही ना, बाकी क्या रह गया, फिजी रह गया, ट्रिनिडैड टोबैगो रह गया, बाकी तो कुछ सुरिनाम में, बाकी तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि क्या है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आप कुछ चीज हिंदुस्तान की सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे, ईस्ट इंडियन वेस्ट इंडियन ये सारा इंडिया है, इंडियन ओशन है, इंडियानापोलिस है, इंडियाना स्टेट है, एजटेक इंडियन है, पेरू के अंदर इंडियन है, इंडो चाइना है, सारा कुछ दुनिया में इंडिया है भाई। तो उसको आगे फिनिशिंग प्रोडक्ट उसका नहीं आता है सामने कि हम हैं सिविलाइजेशन, हम आपको बताएंगे कैसे जीना। मैं अभी कल पढ़ रहा था सर कि अंग्रेज जब पहले आया है 17th-18th सेंचुरी में, हंसते थे कि इंडियन रोज नहाते हैं। दो दो साल में एक दफा आदमी ना, अरब भी नहीं नहाता था, समझ लें आप, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में लोग जो थे नहाते थे, खाते थे, पकाते थे, मजे करते थे, म्यूजिक बनाते थे, ड्रामा करते थे, फेस्टिवल करते थे, जिसको जो मजहब चाहिए उनने कहा तू कर ऐश, पारसी है तो पारसी, सरदार है तो ठीक है। बाकी दुनिया में नहीं होता है ये ऐसा ना, पानी तो था ही नहीं, इतना ठंडा होता था कि साल में एक दफा नहाता था कोई क्रिसमस पे, मेरा ख्याल है। नेक्स्ट। अच्छा मेरा भी ओपिनियन जो है वो सिमिलर है भाई। रॉबर्ट कूल, नमस्ते जी। हिंदू धर्म हवाई जहाज जैसा है, उड़ेगा अगर ठीक से चलो, पर कल पुर्जे बहुत हैं, भ्रमित होना आसान है। इस्लाम साइकिल है, आसान समझना पर चलता भी उतना ही है, हवाई जहाज को समझे बिना नहीं उड़ा सकते। सर क्लिप करके ये भेजे सर, ये बड़ी मजेदार बात थी ना। वेरी गुड रॉबर्ट कूल, एक्सीलेंट। ये हमारा पंक्चर लगाने का आप समझ में आया मुझे। हम पे ये तोहमा। Considering Islamic rule and development of Urdu language, is not India more Islamic than Pakistan, which speaks Punjabi, Sindhi, Pashto? तो यहाँ तो यार 200 languages बोलते हैं। 23 तो official language। क्या ताल्लुक है भाई? उर्दू तो हमारी imperialism है, पाकिस्तान के ऊपर cultural imperialism है। हमारा क्या ताल्लुक उर्दू से भाई? आपके लखनऊ में लोग टेढ़ी जबान बोलते हैं, तुर्की फौजी जो बात करते थे वो आपने हिंदी को डिस्ट्रॉय करके उर्दू दाखिल कर दिया, और जो उर्दू बोलता है आप उसकी शायरी सुनने लग जाते हैं। और क्या रेखता करते हैं उसका। हाँ रेखता, ये रेखता वर्ड क्या है सर, ये तो मुझे बता दीजिए साहब, मुझे मैं भी उर्दू रेखता हो रहा, किसी को नहीं पता इसका मतलब क्या रेखता। ये इस लैंग्वेज का, उर्दू लैंग्वेज का नाम रेखता था? आर यू किडिंग मी? तो जवाब नहीं मिलेगा साहब आपको। महलीद की बात कर रही, महलीद वो पाकिस्तानी ज़ोरास्ट्रियन है, एंड उसने वो नुक्ता ढूंढ लिया है जो पाकिस्तानियों को इंतहाई चुभता है, और वो उनकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा वो आते हैं बाजी 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 करते हुए, सडनली दे प्रपोज इंटीमेट रिलेशन। तो मैंने कहा था एक दफा, भाई इनके अब्बा और मामू में कोई फर्क नहीं होता, एक ही होता, कल तक मामू चल रहा था फिर अब्बा हो जाता है, टेंशन मत करो, बट यू गॉट टू गिव दिस वुमेन और दिस किड क्रेडिट। वो बाथटब में लेके वो अपने फोन पे बात करती है, और पाकिस्तानी मर्द जैसे लाइक यू नो लोग क्या कहेंगे, लाइक लिटरली डॉग्स ऑन सम ड्रग्स, वो वाँ 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 करके उस बात कर रहे हैं, डेयर दिस डेयर दैट, यानी तमाम उनका इस्लाम इस्लाम एक सेकंड में खत्म हो जाता है। वो हल्का सा टो भी अपना दिखा देने टीवी पे, तड़प के मर जाते हो।
चलिए नेक्स्ट। प्रणाम श्रीमान जी, बिना शरिया कानून के कोई देश इस्लामिक कैसे हो सकता है? तालिबान यही तो चाहता है, फिर इसमें गलत क्या है? एक चीज पहले समझा दूं कि शरिया जो है ये लिखा गया है कुछ 200-300 साल बाद प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के, कुरान के क्या कहेंगे कलेक्शन से, 300 कॉपियां जलाने के बाद जो आखिरी कॉपी बची उस्मान के जमाने में वो कुरान बन गई। शरिया का ताल्लुक इज ऑलमोस्ट 90% बियॉन्ड दैट पार्ट। लिपस्टिक पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए ये शरिया का सवाल है। हाँ, स्कर्ट कितना ऊंचा होना चाहिए, ये बैंग चूड़ियां कौन पहने, मर्द पहने या औरत पहने, ये सारा कुछ शरिया आता है। अच्छा, दुनिया भर में ये चलता है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के उसके अंदर, ईरान वीरान के अंदर तो क्लियर हेडेड है, कैप सर पे डालो वरना गर्दन कट, क्लियर, में टेंशन नहीं है। हमारे यहाँ पूरा वो मदरसों ने सब कल्चर बनाया जिसपे बहस चलती रहे, इनकी रोटी लगी रहे, तो वो शरिया पे आकर डिस्कशन हो रहा। मैं आई विल ऑनेस्ट टू गॉड, अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरी किताब की हिंदी ट्रांसलेशन भी हुई हुई, जिसके अंदर शरिया का अलग सेक्शन है, जिहाद पे भी है, बाकी चीजों पे भी। वो देखिए पब्लिशर का नाम भूल गया, चलिए खरीद लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, शरिया हैज गॉट वेरी लिटिल टू डू विद इस्लाम। ओके, लेट्स मूव ऑन। सर, ये मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, रॉबर्ट कूल, मुझे सही उपमान लगा तो आपको बोला, वो मुझसे अक्सर बात करते हैं गीता पर, उपनिषदों पर, जीवन में सनातन उतरने पर। इज एक्सप्लेनिंग, वो जो आपने क्लिपिंग मंगाई है ना किक करके कि उसको, अच्छा, पंक्चर और एयरक्राफ्ट वाली, साइकिल और एयरक्राफ्ट वाली। ड्रोन बैनर्जी, सर आई वांट टू नो द नेम ऑफ द इंटरप्ट, एक सेकंड, वो हमारे पब्लिशर का नाम है कौटिल्या बुक्स, उनके वेबसाइट पे जाएं आपको मिल जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट, ड्रोन बैनर्जी, सर आई वांट टू नो द नेम ऑफ द फादर ऑफ तारिक फतेह एंड वेयर डिड दे लिव इन कराची। आहा, माय फादर कराची से है क्या साहब? Father's name was Subhan Fatah, and when we arrived from India, we lived on a place called Jamshed Road. वो सड़क का नाम भी बदला गया, फिर सड़क का नाम था दीप चंद, नहीं आपके लाला लजपत राय रोड, जो उसकी मेन सड़क थी वो भी तब्दील की गई, जो मोहल्ला था उसका नाम था गुरु मंदिर, उसका नाम भी तब्दील किया गया, और गोल वाली मस्जिद या ऐसा कुछ नाम उसका रख दिया गया। तो इट वाज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ कराची सिटी, एंड इट वाज एन इनक्रेडिबल ब्यूटीफुल सिटी, जिसके अंदर यू कुड लिव, देयर वर हिंदूज लिविंग देयर, देयर वाज ज़ोरास्ट्रियंस, गोअन्स, मराठी बोलने वाले, मारवाड़ी वहां रहते थे। एक जन्नत थी जो उजाड़ दी आपके दिल्ली और यूपी और बिहार के आने के बाद। वहां पे नाजिमाबाद में बहुत रहा हूं, अगर इंटरेस्टेड, नाजिमाबाद में ख्याल है, पता नहीं किस नाजिम की वजह से इलाके का नाम था। ही इज कोटिंग नाथूराम गोडसे, जब तक रूलिंग क्लास रहेगी अमन नहीं रह सकता, कुछ लोगों का लालच दुनिया बर्बाद कर रहा है। Everyone wants peace and look at us. We want Islam. मैं नाथूराम गोडसे रीड लीजिए इसका, ये he's not quoting. Everyone wants peace and look at us. We want Islamists to drop this zid of converting, killing everyone. Sanatan Dharma is the holy hope. I think it is more of an observation. If we stop, then we are not Muslim. If we don't do this, our objective, our purpose on earth is finished. Then we are no longer Muslims anyway. हम पे लाजिम है कि हम दावत दें आपको, जिसको अच्छे तरीके से, दावत को अगर आपने दावत कहा तो बात नहीं बनती, दावा कहलाता है, माशाल्लाह, अरबिक, ओ दावा, जैसे जैसे गुदा हो उसके अंदर और मसाले हो, मिठाई हो, दावा, दावत कहा तो बोले ऐसी जैसे चाय की चार प्याली चाय पे दावत दी है जनाब उन्होंने, दावत बात नहीं चलती। अरबी में दावा देना, संजय साहब को मेरी तरफ से बहुत अहम है, मेरा फर्ज है कि मैं इनको दावत दूं, दावा करूं इनसे, दावा। आप तो उल्टे तारिक सिंह फतेह बन गए, आप क्या दावा करें।
मुझे कौन मेरी बीवी करेगी घर वापसी कर गए चले शची कह रही सर तारिक जी प्रणाम वाइड एज इस्लामिक वर्ल्ड एंड रेस्ट हेट पर्टिकुलरली ब्राह्मिन्स सो मच I don't think they even know what is a Brahmin. आप इतना क्रेडिट मत दे दी स्कॉलर्स डू एंड दे टारगेट ओनली द ब्राह्मिन सर मेरे स्कॉलर कौन है किस चीज का स्कॉलर है ज्योमेट्री का थोड़ा दीगर सब्जेक्ट जाने ने उसे ना अल्फाबेट आता है ना कुछ कर सकता है ना वो गया है ना पढ़ा है ना उसने कोपरनिकस को पढ़ा है ना उसने रिफॉर्मेशन पढ़ा है स्कॉलर कहां से हो गए है सर ये लोग एक वो किताब है राजीव मल्होत्रा जी की जी 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 राजीव मल्होत्रा यस इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग इंडिया यस 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 वो ब्रेकिंग इंडिया में दिस एस्पेक्ट हैज बीन एग्जामिन्ड इन वो जरा आगे ले जाते हैं काफी पिच में आगे जाके बैटिंग करते हैं आदित्य विश्नोई तारिक सर अ फ्यू वीक्स अगो यू वर टॉकिंग अबाउट दैट नेटफ्लिक्स सीरीज ब्लाइंड स्पॉट इफ यू विल वॉच इट कंप्लीटली you will see Muslim and other minority appeasement while Hindu hatred in season 5. I didn't see any Hindu hatred. I might have missed it, but I caught the hijabi woman in first episode. Background mein ek ladki hijab mein ja rahi thi. Maine Nargis se kaha, dekho kahan kahan screenwriters ghusa rahe hain ye sara kuch. Phir ek usme Sikh bhi tha. लड़का इन अ वे चलो ठीक है बट एंड में हिजाबी में जाती है अमेरिका को ये ब्लाइंड स्पॉट की पूरी स्टोरी है और इतनी कन्विंसिंगली की है कि एंड में मुझे भी उससे सिंपथी होने लग गई कि वो बचा रही है दुश्मनों से लड़ रही है अब ये नहीं हो सकता जब तक के आपका कंसर्टेड इन्फिल्ट्रेशन ना हो फिल्म राइटर्स नैरेटिव में और ये पाकिस्तानियों का है पूरा बॉलीवुड एक तरफ और एक कोई हमारा जियाला जाके स्क्रिप्ट के अंदर एडिशन कर देता है वो चल जाती है ब्लाइंड स्पॉट में ओके नेक्स्ट आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट जे स्मिथ डू यू एग्री विद हिज इस्लाम्स नॉलेज बेस्ड ऑन डैन गिब्सन्स डॉक्यूमेंट्री आई डोंट नो जे स्मिथ एंड आई हैव नॉट सीन डैन गिब्सन्स डॉक्यूमेंट्री आई शैल लुक इट अप Next. What can first generation immigrants in Canada do to contribute toward building a positive narrative for India in North America? Well, join a political party for once and give $10 a month to that particular party that you agree with, not what your Abbu tells you to do. And never go to an event where people say, हमारे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है ये लीडर यू आर नॉट अ कमोडिटी यू आर अ कैनेडियन हुज वोट इज सैक्रोसेंक्ट यू आर नॉट परचेजेबल और ट्रेडेबल कमोडिटी लाइक योर पेरेंट्स के लो जी साडा बंदा इन वोट पाना ही पाना है एवरीबॉडी इज अ साडा बंदा बिकॉज दीज डेमोक्रेसीज ओनली डेवलप व्हेन दे गॉट आउट ऑफ ट्राइबलिज्म And sectarianism, के हमारे रिश्ता कौन है ट्राइब कौन है खुदा दे वास्ते छोड़ दे उन्हें गांधी जी गो एंड जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी आई एम श्योर इफ यू डोंट लाइक द लिबरल्स यू कैन जॉइन द कंजर्वेटिव्स यू कैन जॉइन द एनडीपी यू कैन इवन जॉइन द ग्रीन पार्टी और द अल्ट्रा राइट विंग पीपल्स पार्टी सारी दुनिया तुम्हारे आगे खुली एंड 10 साल बाद इलेक्शन लड़ो Anyway, the next question is even better. Wahe Tarek ka jalwa, wahe Tarek di fateh. Hum barbaad ho gaye main. Ab Khalistani aayenge aapke piche. Na, I am, sir. Main to, if I had a choice, if I was born in Punjab, I'd be a Sikh. Hai to, aap credit to denge. Kya mazedar kisam ke log. Kya... जिंदा दिल लोग हैं 3% आबादी है सबको नचा के रखा हुआ नेक्स्ट ओरिएंटल आर्म्स हिंदूज हैव नो प्राइड इन बीइंग हिंदू नॉर इज हिंदू फियर्ड वी आर कंसीडर्ड डोसाइल भय बिन होइ न प्रीत हिंदूज हैव टू बिकम असर्टिव इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइव्स नो अदर वे ओलंपिक कमेंटेटर को बवासीर हो गया नीरज चोपड़ा की तारीफ करने में
ये तो हाल है हमारा। किसको बवासीर हो गया यार, सब तारीफ कर रहे थे चिल्ला चिल्ला के। नहीं नहीं तारीफ कर रहे हैं बस उसी पे ना। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट दैट दे आर यू नो डोसाइल इज द की वर्ड। दंगा नहीं होता कहीं इनका हिंदुओं का किसी सड़क पे या टोरंटो में। हिंदू फर्स्ट कहेगा प्लीज आप आगे जाइए। एक नेक्स्ट एक कल्चरल वो बात है, बस ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। अब मैं सिंह हो गया हूं ना। नमस्ते विकास भारद्वाज, इतना सारे हिस्टोरियन नहीं, समझ नहीं आता कि किस पर बिलीव करें, सो प्लीज टेल इट दैट सही हिस्ट्री को कैसे सिलेक्ट करें फॉर नॉलेज। आप ज्यादा इधर उधर मत करिए, आप सीताराम गोयल और वॉइस ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, उसी में सारे रेफरेंस मिल जाएंगे और सब आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेंजर सिंह I see some colleagues trying to change even their food habits, like eating beef, just to assimilate in the crowd, especially Hindus, but not Muslims from Asia. Your thought, Tariq sir, is it inferiority? In Pakistanis would never, or Muslims of India will never eat pork, for example. They will insist not just on halal, but you will be shocked to notice that now those shops say hand slaughtered halal. अब खाने की एक हायर हायरार्की में एक और स्टेप आ गया है कि छुरी से नहीं काटा, खुद किसी आदमी ने काटा है, किसी मशीन से नहीं काटा। इट्स नॉट एन इंफीरियोरिटी, इट्स फॉर मुस्लिम्स इट इज अ सोर्स ऑफ प्राइड। परहैप्स अमंग्स हिंदूज इट इज अ वे ऑफ इंटीग्रेटिंग के दे've कम फ्रॉम वेज बैकग्राउंड्स एंड दे आर नाउ। अब हमारी फैमिली में माई डॉटर एंड माई सन इन लॉ आर वेजिटेरियंस। आई डोंट ईट बीफ एनी लॉन्गर। कल श्रिम्स खाए थे बाय द वे मैंने, बट आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग इट प्राइमरली बिकॉज आई जस्ट फाउंड इट फॉर माई सेल्फ जस्ट अ थॉट दैट इरिटेटेड मी कि यू नो why इज दिस नेसेसरी व्हेन आई कैन लिव ऑन करेला एंड आलू गोश एंड भजिया। तो मुझे क्या जरूरत है, ज्यादा कि मच्छी का टुकड़ा खा लेंगे। बट कुछ तो हमें सॉलिडैरिटी हिंदू से करनी पड़ेगी ना। आप किसी के घर में आके बैठे हैं, उसकी कुछ तो बात मान लो, खुदा के वास्ते वो गाय, हम गाय खाएंगे? अरे द प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ सेड डोंट ईट काउ, इट इज पॉइजन्ड मीट। You are supposed to only, this animal was made to drink milk from. अब बोले किसी को, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में गाय नहीं कोई खाता सिवाय दिल्ली यूपी बिहार भोपाल इधर उधर जाके ना। तो वो तो सब हमारे बोले, अब बोल गए ना वो, क्या नाम उनका, मुजद्दिद अल्फिसानी। अरे सब होंगे मुजद्दिद, इतना भारी मुजद्दिद अल्फिसानी जनाब अहमद सर हिंदी नक्शबंदी। सर लाहौर में कोई नहीं खाता गाय का गोश्त, सिंध में कोई नहीं खाता था, पश्तून कोई नहीं खाता था, ये बैठ के आप क्या है, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके सबको गाय बड़ा का गोश्त खाएंगे हम, बड़ा का गोश्त जरा तोल कर ठीक करो। ये आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, चलिए। अपूर्व श्रीवास्तव, सादर चरण स्पष्ट माय इंटेलेक्ट फ्रेमिंग मेंटर्स, हाउ डू यू सी द डिल्यूटेड करंट जनरेशन ऑफ आवर नेशन बाय दिस सेक्युलर आइडिया, इज इट नॉट गोइंग टू हैम्पर आवर प्रोग्रेस इन अपकमिंग टाइम्स। देखिए डोंट कॉल सेक्युलर सेक्युलर, ये दिस नॉट, टू बी सेक्युलर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, वरना आप यू विल बी ड्राउनिंग इन द ट्राइबलिज्म इन विच कंट्रीज लाइक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ऑल दीज आर कट अप। सेक्युलर इज अ हिंदू इज बाय हिज वेरी नेचर सेक्युलर, वरना इतने बाकी सारे लोग कहां से आ गए यहां पे। बट By denouncing secularism, you are hitting at your feet. बाकी लोग इसीलिए आपको कह रहे हैं कि ये देखो ये हिंदू फैशिज्म आ गया। अब उनसे वो क्या है, वो जो जिसको वो सेक्युलर कहते हैं ना, सूडो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म। हाँ, नहीं, सेक्युलरिज्म के वर्ड को ना नीचे किया जाए, आप उस आइडियोलॉजी को करें जिसके अंदर द मेजोरिटी पॉपुलेशन इज बींग हेल्ड हॉस्टेज बाय द माइनॉरिटी। ये है ना असल प्रॉब्लम, दैट इज सूडो सेक्युलरिज्म।
हाँ वो हटाइए वो निकाल दीजिए, अलीगढ़ को तो बदले ना, मैं अभी करता हूँ हैशटैग। हाँ करिए। नेक्स्ट विवेक शुक्ला, व्हाट डज तारिक फदर थिंक अबाउट हसन निसार? आई एम श्योर हसन निसार आल्सो मस्ट बी फेसिंग द सेम हेटरेड बाय मुस्लिम्स लाइक दे हेट तारिक साहब बिकॉज दे टॉक सेंस। I don't know him personally, but he is he whatever he says is worth listening to. But he comes from the upper landed aristocracy, in which you can say these things and yet be like Fez or you know that category of intellectualism, in which because of your class you are safe. Because people respect you for where you sit in the economic situation. So he says some very worthy things, but he was a great admirer of Imran Khan. So, jab tak I know, yes. So, jab tak aapne siyasat, paidal siyasat nahi ki hai, ghar ghar jaake flyer nahi banta hai, ya kisi candidate ke saath ghar nahi khatkata hai, aap khuda ke waste siyasat pe mat bole. Aapko nahi pata hai ke जेल में बंद होना क्या होता है इन अ शट अप वार्ड। चले मेरे साथ। एंड इफ आई माइट ऐड, ही आल्सो डिस्पाइजेस व्हाट ही कॉल्स हिंदुत्व विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। हाँ, नहीं पता ना कैसे होगा सर कि आप डायलॉग उन्हीं से करें जो आपके कदम पे बैठे हुए। मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं जिससे मेरा झगड़ा ना हुआ। दैट मींस अगर झगड़ा नहीं हुआ तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग is expected to irritate someone. तो वो आगे से बोले ना, अगर वो नहीं बोल रहा है तो भाई जा कहीं और बेच के अपना आदाब। सर कैसे आप बड़े बदतमीजी से बात कर रहे हैं, लेकिन जरा हौले हो जाया करो। नहीं भाई हौले वाले टाइम चला गया, अब 72 के होने वाले लास्ट इनिंग खेल रहे हैं, इसमें आप नाम मुझे सिखाएं कि वो फास्ट बॉल ओपनिंग में कैसे खेलते। अब आखिरी हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन कुमार, व्हाई डोंट मुल्लाज ओपनली टॉक अबाउट वायलेंस इन इस्लाम? बोलते हैं ना मस्जिदों और मदरसों में बोलते हैं, बाहर क्यों बोलेंगे? बट प्रमोट देमसेल्व्स एज रिलीजन ऑफ पीस नॉट पीसेस। देखिए हर जुम्मे की नमाज में पूरे हिंदुस्तान की 50 लाख मस्जिदें या जितनी भी हैं 50,000 हैं, एक दुआ मांगी जाती है कि या खुदा मुसलमानों को फतह नसीब कर कौमुल काफरीन पे। कौन है कामुल काफरीन? आप हैं हिंदू, सिख, बुद्ध मत। आप जब उनसे पूछेंगे कहेंगे नहीं आपके बारे में छोड़िए, हिंदू तो एक भगवान में यकीन करता है, आप पे थोड़ी कामुल काफरीन है। कामुल काफरीन तो वो हैं ईसाई और यहूदी। आप लोग खुश हो जाते हैं, हम तो समझे थे कि हमें गाली दे रहे हैं आप। जब आप चले जाते हैं तो अंदर बोले कैसे बेवकूफ बनाया यार, हिंदू दादा से समझ नहीं आया ऐसे कुछ। If I am telling you this is what happens, then I am doing what I am supposed to do to tell the truth. आपकी हर नमाज में 40 दफा कम से कम आप यहूदियों और ईसाइयों को नीचे दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, किसी से पूछिएगा अल्हम्द शरीफ में क्यों कह रहे हैं मैंने दुआलीन आमीन। कौन है ये दुआलीन? पढ़ लीजिए किताब में। तो बिल्कुल क्लियर है। निशांत कोठारी, हर बार धर्म की कमियों पर बात होती है, हर धर्म में खूबियां और कमियां हैं, क्या सभी बातों पर चर्चा करके एकमत हो सकते हैं? सही बात पर सब सहमत हो, गलत बात पर असहमत, तब इस धर्म घृणा से निकाला जा सकता है? ये तो एक बड़ी जनरल सी बात है निशांत जी, ये तो बहुत ही जनरल सी। निकल जाए आप, नास्तिक होने में कोई ऐसा टेंशन तो नहीं, किसी रोका तो नहीं आपको इंडिया में। प्रथु कुमार त्यागी, प्रणाम गुरुद्वय को। संजय जी, तारिक साहब मार्क्सवादी भी हैं मोमिन भी, लेकिन आप जावेद चचा को तो खूब इज्जत बख्शते हैं, लेकिन तारिक साहब को ऐसा प्रतीत होता है कि हल्के में लेते हैं। बताइए साहब, आपको कौन मरदूद है जो हल्के में लेगा? ये सवाल तो नहीं हुआ है, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट है जिससे मैं ना इत्तेफाकी अच्छा तजवीज करता हूँ। हाय इतनी भारी उर्दू मत बोला करें, दो चार दिन ऐसे बोलते रहे मुसलमान खुद ही हो जाओगे। अजी साहब, तो कई लोग कहते हैं कि साहब आप उर्दू कहाँ से सीखे आप?
अगर आप लखनऊ के हैं, लखनऊ के हुजूर। मैं कल मिला एक नेपाली, बाय रोड आ रहे थे, विनिपेग जा रहे थे ईस्ट कोस्ट से, ही ड्रॉप्ड इन जस्ट टू मीट अस ऑन अ फैमिली। उन्होंने उर्दू काठमांडू में सीखी कि उनको समझ तो आई, ही इज अ स्कूल टीचर हियर कनाडा में, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड है ये प्रॉब्लम क्या है, ये टेंशन किस चीज की है। उन्होंने कहा ओरिजिनल फैक्ट पे जाके देखा मैंने कि उनके यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन जो वो एक और जबान बोलती है, बिहार साइड से लोग गए में, मैली या ऐसा कुछ जबान, मगही बोलती है, मगही, हाँ मगही। तो वो सब समझाया उन्होंने, बट एनीवे तो इतना मिल जाती है हमें हर तरह से। नेक्स्ट जी, अकॉर्डिंग टू कुरान, ऋषि पूछ रहे कुरान, बकरा ईद, मुल्ला हैज टू सैक्रिफाइस समवन डियर बॉर्न टू हिम, हाउ कम परचेज्ड गोट्स एंड काउज बिकम देयर सन्स? नो, मुल्ला हैज नथिंग टू डू। इसको एक बात समझिए, ये ज्यूइश रिचुअल है जो ज्यूज ने तलमूद के आने तक, जो उनकी सेकंड बुक है, इसको ह्यूमन एनिमल सैक्रिफाइस टू गॉड को अबेंडन किया। ये हमने पिकअप किया मुसलमानों ने यहूदियों के, कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से कहा कि अपनी सबसे अजीज चीज जो है वो तुम्हारा क्या है, बेटा है तो बेटे को ज़िबा करो। तो जब उन्होंने छुरी निकाली इसहाक अलैहिस्सलाम पे, हिज सन इसहाक बॉर्न आउट ऑफ हिज वाइफ, दैट चेंज इनटू अ रैम, गोट जिसे बकरा कहें, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी नियत से यू वर प्रिपेयर्ड, तो उनको एक मुकाम दिया गया। मुसलमान कहते हैं कि वो इसहाक नहीं थे बल्कि इब्राहिम की बीवी के बच्चे नहीं, जो उनकी रेखता थी या कंपेनियन थी, उनसे एक बच्चा था इस्माइल, उसको वो लेके गए कहीं मक्का के पास। एक तो ये बड़ा कंटेंशियस इश्यू है कि वो जो पत्थर जहाँ पे ज़िबा किया गया वो था जेरूसलम में, तो वह मक्का में क्यों गए वहाँ, बट लेट दैट असाइड। हम मुसलमान कहते हैं कि वो इस्माइल, हजरत इस्माइल के ऊपर छुरी का हुक्म आया तो वो बकरा बन गए। एनिमल सैक्रिफाइस यहूदियों ने छोड़ दी, हमने क्योंकि इस्लाम 90% यहूदियत इम्पोज्ड ऑन अरब पेगन कल्चर, सिंपल है, देयर इज लिटरली नो डिफरेंस बिटवीन जुडाइज्म एंड इस्लाम, एक्सेप्ट के जुडाइज्म इज बेस्ड ऑन कल्चरल इश्यूज इन द बिब्लिकल लैंड्स ऑफ द लेवेंट, और ये है अरब पेगनिज्म पे। तो उसको अडेप्ट करके हमने कहा कि बच्चे को करो, तो वो दुम्बा बन गया। अब हज के बाद मौलवी को नहीं देना होता, अब लाजिम हो गया हम पे कि हम ऊंट, गाय या बकरा जिबा करें, और जिबा करते हुए अपने छोटे बच्चों को आखिरी अमल पे छुरी दिखा दें, चला दें, ताकि उसको जहनी तौर पे तैयार रहे कि जब वाकई गजवा हिंद होगा तो छुरी चाकू हम कैसे चलाएंगे। और ये मेरी बात नहीं सुनिए, ये पाकिस्तान टेलीविजन का बड़ा पॉपुलर शो है जिसके अंदर एक साहब बैठते हैं, भारी पंजाबी हैं, भारी उर्दू बोलते हैं और लोगों को समझाते हैं राय रास्त दुनिया में। उन्होंने बताया कि प्रेफरेंशियल है कि आप छुरी चलाएं, ताकि जब छुरी चलाने का वक्त हो तो आप ये नहीं कहें मैंने छुरी चलानी नहीं आंदी, तो तैयार रहे। ठीक है सर, समझ गए, आगे चलते। बहुत लंबा हो गया, चलिए, बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, दीपक, अफगान्स हैव इन्वेडेड इंडिया, डिस्ट्रॉयड अ कल्चर, टेंपल्स, वेल्थ, टुक आवर मेन एंड वुमेन, तलवार के दम पर कलमा पढ़ाया है, सलवार पहनाई है। व्यूइंग दीज अट्रोसिटी, शुड वी बी सिंपथाइजिंग विद अफगानी पीपल एंड स्टैंड अगेंस्ट तालिबान? दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस मैलिग्नेंट कल्ट इनटू इंडिया एंड नाउ दे वांट अस टू बी सपोर्टिव। आपकी बात को अपोज कर रही है। नहीं,
you have to stand with those who are your friends. Aap aur Afghanistan ki government have been together for now a long time, since the 1970s when Pakistan created this whole problem under Zulfiqar Ali Bhutto and then General Zia and all those. इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दुनिया में मनवाना चाहता देन एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द रिप्रेजेंटेटिव शुड नॉट स्पीक इन दैट मीक वॉइस एंड से नथिंग ऑल टुगेदर एंड दूसरी चीज आप अपने ट्रूप्स भेजें आपकी अपनी एम्बेसी बचाने के लिए उसमें आप 10,000 भेजें या 20,000 भेजें दैट हैज टू बी गार्डेड एंड यू हैव अ राइट टू बी देयर ये नहीं हो कि एम्बेसडर की बेटी पाकिस्तान के अंदर उसकी पिटाई कर दी एंड ऑल यू कुड डू वाज एक्सपेल देम इंडिया का ये मोमेंट है रिकग्निशन का कि वे डू यू स्टैंड विथ योर फ्रेंड्स और विल यू जस्ट सिट कवर्ड अप के भाई हम तो किसी में इंटरफेयर नहीं करते नो यू हैव टू ओके सर पॉइंट टेकन नेक्स्ट Sir, there are a lot of Hindu bashers. How can one be prepared to debate, rebut them? Any books? Should we also read book like Fatawa-e-Alamgiri? Fatawa-e-Alamgiri to main aapko padhaunga hi na. उसमें और भी हैं. Second opinion. मैं भी आपको फतावा रज़विया भी पढ़ाऊंगा और आपको मैं actually अरुण शूरी ने बड़ा अच्छा कलेक्शन किया बहुत अच्छा है वो वर्ल्ड ऑफ फतवास वो कंपलसरी रीडिंग होनी चाहिए हर इंडियन के लिए मुसलमान हो या हिंदू अरुण शूरी बुक शुड बी लाजिम तब आपको और उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है बिकॉज ही हैज कोटेड आपके जो ये क्या नाम है इनका अहमद रजा बरेलवी जिन्होंने बरेलवी सेक्ट जी जी कायम किया इनको कोट किया है कि भाई वेयर देयर इज अ ग्रे एरिया कि साहब ये चीज हराम है या हलाल तो अगर ये हिंदू को तकलीफ देती है तो हलाल है और अगर उसे खुशी देती है तो हराम है बहुत सिंपल वेरी सिंपल विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द शो थैंक यू ऑल व्यूअर्स आप सभी को धन्यवाद तारिक सिंह फतेह साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया दुआ करिए जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय खुदा हाफिज दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़ें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ लाते रहें और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ और अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए जल्द मिलेंगे जय हिंद जय भारत